ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कई सारे हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपने कासल के लिए एक वॉल बनाई थी ताकि कोई भी जॉम्बी, क्रीपर, स्केलेटन, स्पाइडर मेरे कासल के अंदर एंटर ना हो पाए। और यार देखो, ये जो वॉल है ना, देखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, साथ ही बहुत ज्यादा बढ़िया भी है, लेकिन गाइस यार इसको बनाने में ना हद से ज्यादा, मतलब यार बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो अभी ना इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड कंप्लीट करी है। अभी फिलहाल ये वाली साइड तो छोटी थी, बट ये जो बाहर की साइड है ना भाई, बहुत ज्यादा पीछे तक इसे बनाते हुए लाना है और फिर घुमा फिरा के एकदम चारों साइड मेरे को कवर करनी है। अभी सिर्फ एक ही साइड हुई है। तो गाइस इस काम में बहुत सारे ब्रिक्स भी लगने वाले हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो इसको ना धीरे धीरे करेंगे, एक ही बार में नहीं करेंगे, वरना दिमाग खराब होने वाला है। अब गाइस यार देखो, लास्ट वाले एपिसोड में हमने ये काम तो कर दिया था, बट जो अपना मेन काम है ना, जो अपना मेन टास्क था, अपनी नेदरराइट सॉर्ड को रिपेयर करवाना, गाइस वो तो रह गया था। अब आपको पता होगा जो मेरी नेदरराइट सॉर्ड है उसके अंदर शार्पनेस 4 की एफिशिएंसी लगी हुई है, मतलब शार्पनेस 4 की एन्चेंटमेंट लगी हुई है। तो यार मुझे कुछ भी करके ना इसे रिपेयर करवाना ही करवाना है। तो उसके लिए हमें काफी सारे नेदरराइट इंगट चाहिए होंगे, और नेदरराइट इंगट हमें मिलेंगे एंशिएंट डेब्रिस से, और एंशिएंट डेब्रिस मिलेगा नेदर पोर्टल में काफी नीचे तक माइनिंग करके। अब यार देखो, आप लोग को पता होगा नेदर पोर्टल में जगह जगह लावा होता है, तो वहां पर माइनिंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले ना गाइस, यहां पर मैं थोड़ी बहुत सैंड इकट्ठी करता हूं, इससे ग्लास बनाता हूं। ग्लास मेरे पे ऑलरेडी पड़े हैं, तो इनसे ना गाइस सबसे पहले तो मैं कुछ बॉटल्स बना लेता हूं। और बॉटल्स बनाने की रेसिपी मेरे को शायद से याद नहीं, एक सेकंड, बॉटल पहले मैं क्या लिख रहा हूं, डबल टी आता तो चलो ठीक है, अभी यहां पर इस तरीके से रखना है। और ये बन गई अपनी तीन बोतल। तो अभी इन तीन बोतल के अंदर गाइस सबसे पहले को पानी भरना है। तो गाइस अभी मैं क्या बनाने जा रहा हूं, फायर रेजिस्टेंस, मतलब पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। तो गाइस इससे क्या होगा, अगर मैं इस पोशन को पी के लावा में गिर जाता हूं या फिर लावा मेरे ऊपर आके गिर जाता है, तो गाइस मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक इसका पोशन का असर चल रहा है। तो गाइस अभी ना जल्दी से इस पोशन को बनाते हैं। तो यहां पर मैं तीन पोशन बनाने वाला हूं, इसलिए मैंने तीन बोतल्स में पानी भर लिया है। और गाइस अब ना मेरे को इसे ब्रिंग स्टैंड में डालना है और इसको मेरे को रिएक्शन करवाना है नेदर वॉर्ड से। और यहां पर थोड़ा बहुत ब्लेज पाउडर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बस मेरे को एक नेदर वॉर्ड चाहिए होगा। गाइस नेदर वॉर्ड तो मेरे पास ढेर सारा था, बट उसे ढूंढना पड़ेगा, रेड कलर का होता है, आराम से मिल जाता है हमें अपने उसमें नेदर पोर्टल में। बाकी ये देखो, यहां पर 15 नेदर वॉर्ड है। तो जल्दी से मैंने इसे लिया, यहां पर इसको डालते हैं अपने इसके अंदर ब्रिंग स्टैंड में तीनों को, और इसको रिएक्ट करवा देते हैं सीधा अपने नेदर वॉर्ड से। एक डालना है, इससे क्या होगा अपना ऑकवर्ड पोशन बन जाएगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैग्मा क्रीम तो मेरे को याद है मैंने कहां पर रखी है, बट मेरे को रेड स्टोन डस्ट नहीं मिली। चलो भाई, यहां पर रेड स्टोन डस्ट भी मेरे को मिल गई है, वैसे इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए। तो यहां पर एक मैं ये ले लेता हूं, और मैग्मा क्रीम मैंने इसी किसी चश्मे रखी थी येरी, तो मेरे को बस एक मैग्मा क्रीम भी चाहिए। तो भी जल्दी से यहां पर मैं इसको अपने ब्रिंग स्टैंड में डालता हूं। सबसे पहले मैग्मा क्रीम, इसको बनाने के बाद, इससे रिएक्ट करवाने के बाद ये बन जाएगा अपना 3 मिनट के लिए, और रेडस्टोन डस्ट डाल के ये अपना काम करेगा 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट तक एक बोतल काम करेगी, और उतनी देर तक मैं पानी में रह सकता हूं, यानी 3 बोतल, यानी टोटल अपने 24 मिनट्स। तो चलो भाई अभी ये सबको होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर अपना पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी जल्दी से ना गाइस यहां पर मैं रेडस्टोन डस्ट डाल के इसका टाइमिंग भी बढ़ा देता हूं। अब यार देखो, ये तो होता ही रहेगा, अभी ना जल्दी से चलकर मैं एक बार अपना आयरन फार्म चेक कर आता हूं कि आखिरकार उसके अंदर आयरन आ भी रहा या फिर नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर ग्लिच हो जाता है, कभी-कभी स्टॉप हो जाता है। तो भी जल्दी से चलते हैं, फिलहाल यहां पर अभी मेरे को इतने काम की कोई जरूरत है नहीं। एक गोलम नीचे आके गिरा हुआ है, तो अपना ये जो शुगर केन फार्म है ना, इसको भी भाई यूज पड़ ही नहीं रहा है, मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर चुका हूं, अभी और ट्रेडिंग करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल यहां पर एक गोलम नीचे गिरा हुआ है, इसीलिए यहां पर और गोलम स्पॉन नहीं हो रहे, तो मुझे ना पहले ये वाले गोलम को मारना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर ऑटोमेटिकली गोलम स्पॉन होगा। और भाई पूरी आयरन भर रखा था, एक काम करता हूं, ये जो मैं जितने भी ये है ना, इन सबको नीचे फेंक देता हूं यार, इसकी वजह से ना मेरी चेस्ट पूरी भर गई है। और ये देखो, गोलम स्पॉन होना शुरू हो गए हैं। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल सीन क्या है, चेस्ट तो पूरी की पूरी भर गई थी, लेकिन काफी सारा आयरन ना हॉपर के अंदर भी स्टोर हो रखा है, तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। अभी मैं निकल लेता हूं नीचे, सबसे पहले ना गाइस मुझे इस वाले गोलम को मारना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि ऑटोमेटिकली फिर गोलम स्पॉन होना बंद कर देते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत ऊंचाई पर आ गया हूं, वैसे इतनी ऊंचाई कुछ ज्यादा हो गई, नॉर्मली ठीक था। वैसे गोलम को मारने की गाइस ये बहुत तगड़ी ट्रिक होती है, 3 ब्लॉक लगा के ऊपर चले जाओ फिर गोलम तुम्हें नहीं मार पाएगा, 3 या 4 ब्लॉक, ठीक है 4 ब्लॉक बढ़िया रहेंगे, 4 में रिस्क नहीं है, वैसे मिनिमम 3 में भी काम हो जाता है। मैं मर जा तेरी ऐसी की तस्वीर, नहीं भाई साहब अभी मैं गलती से नीचे आ गया था, मर क्यों नहीं रहा वे। तो चलो गाइस इसको मैंने मार दिया, और ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा आयरन था, आयरन की कोई जरूरत नहीं है। और गाइस अभी ना मैं अपनी यार ये जो डायमंड की पिकैक्स है, ये तो खैर यूज करूंगा, मेरे पास अभी थोड़ा बहुत डायमंड है, बट अभी ना मैं ज्यादा फालतू चीजों में अपना आयरन का समय नहीं यूज करूंगा यार, मैं बेमतलब अपनी डायमंड पिकैक्स यूज करता हूं, और बार बार ही मेरे को डेली रिपेयर करवानी पड़ती है। तो गाइस अभी ना वो चीज नहीं करूंगा, हमेशा मैं आयरन यूज करने वाला हूं, जब कुछ ज्यादा जरूरत होगी एकदम इमरजेंसी में, तब हम अपना ये यूज करेंगे। तो सबसे पहले यार यहां पर क्या फेंकूं, रुक जाओ, ये तीनों मेरे को उठाने हैं, तो ये उठाओ, ये गोल्ड फेंक दो, गोल्ड का कोई काम नहीं है, अभी ये तीनों को रखते हैं, बाकी इसके अंदर मैं आयरन एकदम दबा के स्टोर करा देता हूं, थोड़ा सा अपने पास रख लूंगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सारा का सारा आयरन और जितना भी फालतू का सामान था मैंने वो चेस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। और गाइस अभी ना जल्दी से मेरे को निकल लेना चाहिए सीधा नेदर पोर्टल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफी सारा खाना है। बट यार जाने से पहले 2-3 चीजें मेरे को अपने लिए बनानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है मेरी गोल्ड की
चेस्ट प्लेट और जितने भी टूल्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं ना गाइस, मैं सारे के सारे आयरन के बनाने वाला हूं। मैं ज्यादा अपना डायमंड यूज नहीं करने वाला इन फालतू चीजों में। आयरन को बना के उसे एक बढ़िया तरीके से एंचेंट करवा देंगे। तो सबसे पहले यहां अपन को थोड़ी बहुत वुड चाहिए। वुड तो काफी सारी है, वुड की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काफी सारी स्टिक्स है। तो भी जल्दी से ना यहां पर सबसे पहले यहां पर इसे रखते हैं इस तरीके से। और यहां पर एक सेकंड वो क्या चाहिए था, ये रहा आयरन, ये रहा। तो जल्दी से यहां पर रखा है, ये अपना एक ये बन गया। तो गाइस देखो बिना फिलहाल यहां पर जो मेरी स्वॉर्ड है उसको मैं इधर संभाल के रखने वाला हूं और अपने साथ में ले जाने वाला हूं। ये स्वॉर्ड में स्माइट वन लगा हुआ है तो इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। बाकी तीन स्वॉर्ड मेरे पास होगी, तीन पिकेक्स होगी, डायमंड की पिकेक्स अभी रिपेयर करवानी है। बाकी गोल्डन स्वॉर्ड में लूटिंग की कोई एफिशिएंसी लगी है, एक मैं गाइस ये भी ले लेता हूं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने पास गोल्ड वोल्ड बतेरा पड़ा हुआ है, बाकी चेस्ट प्लेट नहीं है, डायमंड का सामान रखे रहने दो, एंडर ड्रैगन को कूटेंगे इससे। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे को जितने भी टूल्स की जरूरत थी ना वो तो मैंने सारे के सारे बनवा लिए हैं। साथ में यहां पर ना मैं तीन डायमंड भी ले लेता हूं अपनी डायमंड पिकेक्स रिपेयर करवाने के लिए। और गाइस अभी ना मैं काफी सारा गोल्ड लेकर जाने वाला हूं, काफी सारा नहीं 32 गोल्ड ले लेते हैं, जो वहां पर पिगमेंट होते हैं ना गाइस उससे दबा के ट्रेडिंग करेंगे। और गाइस अभी ना मेरे दिमाग में काफी ज्यादा खौफनाक आइडिया है। अबे तेरी भैंस की टांग, मैं कैमरे में देख रहा हूं, इधर आ, तेरी वीडियो नहीं बनाने देते हमेशा। अब पिटो जल गया भाई, ये सही है। वैसे यार देखो जाने से पहले ना मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूं करना, बट इस बारी जो मैक्सिमम चीजें हैं ना वो मैंने सारी कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना वहां पहुंच के याद आता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और ये मैं डायमंड कहां पे रख रहा हूं, इसके अंदर रखने हैं, तो भाई डेली मेरे को रिपेयर करवानी पड़ रही है, ऐसा ना करना पड़े। चलो अभी फिलहाल यहां पर मैंने रिपेयर करवा लिया। और गाइस एक चीज मेरे को और याद आ गई, इसी के अंदर मैंने कहीं पर अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स भी रखी हुई है। एक सेकंड यहां पर इसके अंदर, ओके तो ये रही अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स, तो इसको भी ले चलते हैं। अब गाइस इसे मैं इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि यहां पर जो मेरी एंडर चेस्ट है ना इसे मैं साथ ले जाऊंगा। अब गाइस इससे क्या होगा, मान लो मेरे को वहां पर कोई काम की चीज मिलती है और मेरा बैग फुल हो जाता है, फिर ऐसे होता है कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो उस चीज को मैं इसके अंदर संभाल के रख दूंगा। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं सीधा नेदर पोर्टल। और गाइस अब शायद से मेरे को कुछ नहीं करना, खाना भी ढेर सारा है, और बाकी खाना तो ढेर सारा है, 23 है, शायद से हो जाएगा। वैसे कहीं जाना थोड़ी है, नीचे की तरफ में खुदाई करके ढूंढना है। बाकी हां नीचे जाने के लिए भी थोड़ी बहुत बढ़िया जगह मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, तो भी जल्दी से चलते हैं हम लोग एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने के लिए। बाकी तो अरे भाई साहब यहां पर अभी मैं गिरता बहुत बुरी तरह, अरे इतने सारे पिगमेंट्स, नहीं यहां पर मैंने तो गोल्डन चेस्ट प्लेट पहनी है, मैं इनसे क्यों डर रहा हूं यार। चलो अभी ओ भाई अभी मैं सीधा नीचे लावा में जाता, तो यार ये जो जगह है ना गाइस यहां पर जाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इस टाइम मेरी हाइट काफी ज्यादा है और यहां पर ऑलरेडी इतना ज्यादा लावा है ना भाई पूछो मत। जहां पर मेरे को लास्ट टाइम मिले थे ना, मैं उस साइड पर कहीं चलता हूं, तो ये जगह तो यार वो भी नहीं है, तो यहां पर जाने कोई फायदा नहीं। इसको तोड़ो सबसे पहले, अभी जल्दी से यहां पर मैं थोड़ा सा आगे, ये लास्ट वही वाली सीन है जो मैं पूरा माइन करके गया था ना अभी तक, ये मैंने सारे कलेक्ट भी नहीं करे थे उस टाइम पे। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मेरी वाई एक्सिस की हाइट है 65 और मेरे को जाना है 15 तक, यानी कि मेरे को ऑलमोस्ट इस टाइम पर 50 ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे नीचे वाले, तभी मेरे को एंशिएंट डेब्रिस मिलने वाला है। तो यार इतना नीचे मैं जाऊंगा तो भाई हर जगह लावा ही नजर आ रहा है यार, इस जगह से ना थोड़ा बहुत दूर जाऊंगा तभी मेरे को कुछ मिलने वाला है। वैसे भी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत तो ऐसे ही उतर गया, बट यहां पर लावा नहीं है। तो भी जल्दी से ना गाइस इस तरफ में नीचे चलते हैं फटाफट से। तो यहां पर यार एक तो मैं लावा में गिर गया था पीछे, बड़ी बुरी तरह जला हूं, तो भी जल्दी से ना यहां पर तोड़ते हैं। फायर रेजिस्टेंस पी लूं क्या, एक बढ़िया रहेगा, पी लूंगा, ओके एक पी लेते हैं। वैसे अब नीचे जाने का टाइम आ गया तो भैया पी के ही रखना चाहिए। तो चलो यार अभी जल्दी जल्दी हम लोग नीचे चलते हैं। और गाइस ये जो कांच की बोतल है, क्या हम लोग इसके अंदर लावा भर सकते हैं? मैंने पानी तो भरा हुआ है बट लावा शायद से नहीं भर पाएंगे, पता नहीं यार क्या सीन है। बाकी भी मैं ट्राई करूंगा बट सबसे पहले एंशिएंट डेब्रिस ढूंढेंगे। बाकी और नीचे इतना सारा बेसॉल्ट है ना भाई क्या बताऊं। तो गाइस यार देखो जिस चीज की मैं बात कर रहा था, मेरे को डर लग ही रहा था लावा से, बट यहां पर लावा आ गया, पर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से यहां पर नहा सकते हैं इस लावा में। बट यार देखो नीचे जाने का तो कोई भी फायदा है नहीं। वैसे कितना टाइम रहेगा, एक सेकंड पता चले कि यहां पर मैं सीधा मरने ही लग गया, पहले ऊपर चल के ना गाइस टाइम पता करते हैं कितनी देर है अभी। तो फिलहाल 5.5 मिनट है यार, जल्दी से लावा के अंदर मैं चलता हूं। यहां पर एकदम बढ़िया तरीके से अंदर चल के माइनिंग करेंगे, काफी ज्यादा बढ़िया दिखता है यार लावा के अंदर तो, बट यहां पर जाने का कोई भी फायदा नहीं है यार, बहुत मुश्किल है एंशिएंट डेब्रिस ढूंढना भाई, सही बता रहा हूं। तो गाइस यार वैसे ना भी मेरे दिमाग में एक बहुत मस्त चीज आई है, अपने ऊपर भी ब्लॉक्स है, नीचे भी ब्लॉक्स है और बीच में लावा है, लेकिन अगर मैं इन ब्लॉक्स के पहले अंदर जाऊं और ऊपर से इस जगह को कवर कर दूं तो क्या यहां पर नीचे लावा आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, बस मुझे ये चेक करना है। तो बिना गाइस जल्दी से ना सबसे पहले ऊपर मैं एक ब्लॉक लगा देता हूं यहां पर, और गाइस ये जगह बस मेरे को चेक करनी है इधर लावा है कि नहीं। ओके तो यहां पर आप लोग देखो गाइस इधर लावा नहीं है, बट मैं फायर रेजिस्टेंस पोशन जो है उसे पी के रखूंगा क्योंकि लावा का पता नहीं है ना भाई वो कब आ जाए और कब ना आए। तो गाइस यार अपनी ना किस्मत ही खराब है भाई, अपनी हाइट इस टाइम पर पता है कितनी चल रही है, 0, यानी कि अगर मैं नीचे का एक ब्लॉक और तोड़ूंगा ना तो बैड रॉक आ जाएगा, बट आया नहीं, माइनस में भी जाता है क्या भाई वाई एक्सिस। अच्छा जी एक सेकंड अभी नीचे चलकर देखते भाई, लेकिन ज्यादा नीचे जाने का कोई फायदा वायदा है नहीं, मेरे को पता नहीं यार इतना ज्यादा नीचे होने क्या वाला है, बैड रॉक नहीं होता था क्या यार? मेरे को ऊपर तो देखो यार बैड रॉक होता है बट नीचे मेरे हिसाब से ना लावा ही लावा होता है भाई, ऐसा मेरे को लग रहा है यहां पर। नहीं गाइस वो देखो बैड रॉक आ गया, मुझे मालूम था। तो चलो यार अभी फिलहाल हम लोग और नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर बैड रॉक आ चुका है, और बाकी ऊपर जाने का भी कोई फायदा है नहीं, तो
अभी जल्दी से थोड़ा बहुत तोड़ कर देख ही लेते हैं, क्या पता यहाँ पर मिल जाए। बाकी मैं पोशन पी के एक बार ऊपर जाऊंगा, क्या पता हमें एंशिएंट डेब्रिस मिल जाए। खैर छोड़ो यार, इतनी ज्यादा नीचे एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिलेगा भाई, वो 15 हाइट पर ही मिलता है, मेरे को लास्ट टाइम भी वो उतने पे ही मिला था। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर जितने भी ये मेरे को मिले इसे लेता हूँ, मेरे पास 2 मिनट है, मुझे 2 मिनट से पहले ना गाइस यहाँ से बाहर निकलना है, वरना मेरे को अपना एक और पोशन खराब करना पड़ जाएगा भाई, टूट जाते। अभी नहीं, डायमंड पिकेक्स निकालो, अभी जल्दी जल्दी टूटेंगे एक एक सेकंड में। अभी फटाफट से गाइस मेरे को ऊपर जाना है, 2 मिनट से पहले बाहर निकलना है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अपना एक और पोशन पीना पड़ जाएगा, उसको मैं यहाँ पर लगा के रख लेता हूँ ताकि अगर मैं जलने लगूँ तो फटाफट से उसे पी लूँ और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आया अलावा, 1 मिनट टाइम देखता हूँ भाई, 1 मिनट है, जल्दी 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 मैं निकल जाऊँ। भाई साहब मैं रिस्क लूंगा ही नहीं भाई, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, मैं पी रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अपने 8 मिनट प्लस हो गए ना, चलो ठीक है, अभी प्लस तो नहीं हुए बट टोटल 8 हो गए हैं ये भाई, उसमें जोड़ते ही नहीं है पुराने वाले में, पूरे 8 ही देंगे चाहे तुमने पिछला वाला खत्म होने से पहले क्यों ना पी लिया हो। तो भी जल्दी से वैसे ब्लॉक लगाने की थोड़ी जरूरत है, अब तो एकदम आराम से हम लोग तैर के बाहर निकलने वाले हैं। भाई कुछ भी नजर नहीं आता यार, ये पोशन ना बेकार है, इसके लिए ना कोई और पोशन भी हमें पीना पड़ेगा, कोई विजन का पोशन हो तो यार मेरे को बताना। बाकी तो फिलहाल मैं डुबकी मार के यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ और कितना ज्यादा बढ़िया नजारा है भाई। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं दोबारा से जिद पे अड़के माइनिंग करने के लिए आ चुका हूँ। इस टाइम पर गाइस अपनी जो हाइट है ना वो चली है 16, तो भी जल्दी से ना गाइस यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एंशिएंट डेब्रिस जरूर मिलने वाला है, बट माइनिंग करने से पहले ना गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो लावा आ रहा है ना इसको मैं परमानेंटली बंद कर डालता हूँ, बस अब अपने लिए एकदम सेफ जगह है। बाकी यहाँ पर और लावा तो नहीं ना, चलो भाई एकदम सही। गाइस इस टाइम ना अपनी हाइट एकदम पूरी की पूरी बराबर 15 है, तो बस यहीं पर मैं माइन करने वाला हूँ एकदम आराम से फुल मजे में, और देखते हैं हमें एंशिएंट डेब्रिस मिलता है या फिर नहीं मिलता। और वैसे मेरे को थोड़ा बहुत नीचे है, मैं इस बार काफी सारा कलेक्ट करके जाने वाला हूँ। वैसे एक चीज है, जहां पर मिलता है ना गाइस वहां पर ढेर सारा मिल जाता है अगर माइन करने लगो तो मैं सोच रहा हूँ लेकर चलेंगे अपनी जो डायमंड पिकेक्स है ना, इसको भी उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे ना गाइस हेल्थ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ में अटैक एंड डैमेज भी बढ़ जाता है। तो गाइस यार आप लोग ना एक बारी पीछे की तरफ में देखो कि यार मैं कब से माइन कर रहा हूँ बट यार अभी तक एंशिएंट डेब्रिस का कोई भी नामो निशान नहीं है, और जो मेरी दूसरी वाली पिकेक्स है ना गाइस थोड़ी देर में ये भी दम तोड़ डालेगी, लेकिन यार मुझे अपना दम नहीं तोड़ना, अभी फटाफट यहाँ पर मैं माइनिंग करते रहूंगा। और वैसे यार देखो मिल तो जाते हैं बट आज किस्मत थोड़ी बहुत खराब है, अभी तक मैं सिर्फ एक ही लेयर में तोड़ा जा रहा था बट अभी यहाँ पर मैं 4-4 लेयर तोड़ रहा हूँ। वैसे इस टाइम पर मेरा पोशन लगा हुआ है तो इतनी डरने की कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि अगर लावा आएगा तो मुझे कैसे बचना है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं माइनिंग करते करते काफी ज्यादा आगे आ गया हूँ, मेरी पूरी की पूरी एक आयरन पिकेक्स खत्म हो चुकी है, दूसरी आयरन पिकेक्स की भी 10 HP है, और यहाँ पर जो मेरी डायमंड की आयरन पिकेक्स है भाई उसकी भी 30% HP जा चुकी है। लेकिन गाइस दिक्कत की बात ये नहीं है, दिक्कत की बात यह है कि मेरे को अभी तक एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला है, जबकि मैं वाई एक्सिस के 15 ब्लॉक पर ही तब से माइनिंग कर रहा हूँ। पता नहीं यार मैं क्या छोटी सी गलती कर रहा हूँ जिस वजह से मेरे को वो नहीं मिल रहे, अब या तो ये लक खराब हो सकता है या फिर मेरी गलती हो सकती है, अब पता नहीं क्या सीन है। बाकी तो ये लावा ने अलग परेशान कर रखा है, और मेरे पास ना गाइस अभी सिर्फ पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस एक ही बचा है, तो इसलिए अभी मैं इसको यूज नहीं करने वाला, इसको वापस जाते टाइम यूज करेंगे। ओ भाई साहब मैं नीचे गिरा, मेरे को लगा कि लावा आ जाएगा, और भाई अच्छा हुआ कि लावा नहीं था, वरना अभी गेम यहीं पर एंड हो जाता। वैसे एक काम करता हूँ ना, इसको नीचे रख लेता हूँ, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही पी लूंगा। बाकी यार पूरी की पूरी इन्वेंटरी भर चुकी है यार, मेरे को ना यहाँ से निकलना चाहिए, मैं पीछे की तरफ से आया था ना गाइस मैं उसी साइड पर जाने वाला हूँ। भाई आगे जब से आओ ना भाई गोल्ड तक नहीं मिल रहा, अभी तक तो देखो यार थोड़ा बहुत मेरे को गोल्ड भी मिल रहा था बट अब तो यार वो भी नहीं मिल रहा, पूरे के पूरे एरिया में नेदर रैक है। तो गाइस मेरे को पता है अभी क्या लग रहा है कि शायद से ना जो एंशिएंट डेब्रिस है वो नेदर रैक में नहीं मिलते, लेकिन यार मेरे को लास्ट टाइम नेदर रैक में ही मिले थे, पता नहीं यार। अभी एक काम करता हूँ इस साइड पर चलता हूँ मैं ना गाइस, यहाँ से माइनिंग करता हुआ आया यहाँ पर लेफ्ट मुड़ गया, अभी ना गाइस एक बार आगे चल कर देखते हैं यार प्लीज मिल जाए, एक तो किस्मत इतनी ज्यादा खराब है ना। एक सेकंड, ओके गाइस फाइनली हमें यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस मिल गया, तो चलो अभी ना जल्दी से मैं इसको तोड़ता हूँ। तो यहाँ पर एक मेरे को मिल चुका भाई, सच्ची में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अभी यहाँ पर एक और मिल गया। तो गाइस देखो जहां पर एक मिलता है ना उसके आसपास काफी सारे होते हैं, तो गाइस अभी ना मेरे को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और मैंने 2 तोड़े थे ओके तो एक एरा मिल गया मेरे को। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर काफी सारी ग्रेवल, बट यार लावा ना आ जाए कहीं से मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वैसे अगर लावा आएगा ना तो गाइस मैं तुरंत पोशन पी लूंगा, वैसे ग्रेवल ना गाइस सारी की सारी हटा कर देखता हूँ, उसके आगे पीछे और भी हो सकता है। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंशिएंट डेब्रिस मिले हैं, और थोड़े बहुत जो नेदर के पीसीस होते हैं ना जो इससे मिलते हैं वो मेरे पास ना ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो शायद से मैं अपनी नेदरराइट स्वॉर्ड जो है रिपेयर करवा लूंगा, बट यार अभी कुछ पता नहीं। अभी फिलहाल अपनी डायमंड पिकेक्स है तो काफी सही स्पीड में माइनिंग हो जाती है। बाकी यहाँ पर एक सेकंड मेरे को, अच्छा यार ये तो नेदर क्वार्ट्स से मेरे को लगा कि मेरे को और एंशिएंट डेब्रिस दिखे। फिलहाल यहाँ पर इनको तोड़ के कलेक्ट कर लेता हूँ, इधर तो और नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं भैया क्या पता मिल ही जाए। यहाँ पर इन सबको भी तोड़ते हुए चलूंगा। ओ भाई साहब अपनी किस्मत गाइस सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छी है, अभी ना गाइस मैं 3-3 लेयर तोड़ने वाला। ओ भाई यहाँ पर 2 है भाई साहब, चलो बढ़िया। तो भी जल्दी से यहाँ पर इसे कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ना गाइस आसपास अच्छे से चेक कर लेता हूँ, क्या पता इधर और हो। भाई मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि गाइस मेरे को अभी एक और मिलने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट अपनी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है यार, मेरे को नहीं लगता कि अब मेरे को मिलेगा। फिलहाल यहाँ भाई यार ये जो नेदर
वाटसन है, इसको देख के मैं खुश हो जाता हूँ। मेरे को लगता है कि ये मतलब कि एंशियंट डेब्रिस है। खैर छोड़ो, अभी फिलहाल यहाँ पर और तो नहीं मिलने वाले मेरे को, अभी थोड़ा सा मैं और आगे चलकर देख लेता हूँ, क्या पता किस्मत अच्छी हो तो मिल भी जाए। फिलहाल यहाँ पर एक ग्रेवल टपके जा रही है इधर, तो अभी जल्दी से यहाँ पर सारी की सारी हटाता हूँ। भाई कितनी ग्रेवल है इधर। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल मुझे पता है क्या लग रहा है कि मुझे अपने कासल के लिए वापस निकल लेना चाहिए, वरना एंशियंट डेब्रिस की लालच के चक्कर में ना मैं बेमतलब बहुत ही बुरे वाला मारा जाऊंगा और जितना मिला भाई वो भी नसीब नहीं होगा। तो खैर छोड़ो, अभी जो अपनी पिकेक्स है इसको बाद में नेदरराइट का बनाएंगे। फिलहाल ये एरिया गाइस मैं थोड़ा बहुत चेक कर लेता हूँ। खैर छोड़ो यार, अभी मेरे को और नहीं चाहिए, अभी ऊपर की तरफ मैं तोड़ते हैं बाकी लावा ना आके गिर जाए। तो बस मेरे को यहाँ सीधा ऊपर जाना है, एकदम आराम आराम से जाऊंगा। अभी जो पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस है ना गाइस, इसको पी लेता हूँ, अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि ऊपर से ना गाइस कभी भी लावा आके गिर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। अबे यार ऊपर जगह नहीं है क्या? एक सेकंड। तो यहाँ पर इन सबको तोड़ के गाइस फटाफट से ऊपर चलता हूँ। गाइस अभी मेरे को यहाँ पर ऊपर लावा की नदी हो सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर से ना लावा के टप टप होने की आवाज आ रही है। भाई साहब मैंने सही टाइम पर पी लिया था, वरना यार मैं बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर मारा जाता। अभी फिलहाल यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों पिगमेंट्स के ऊपर से आवाज आ रही है। ये कैसी जगह यहाँ पर? अच्छा यार ये देख छोटी सी जगह, मैं भी पता नहीं क्यों खुश हो रहा हूँ। वैसे यहाँ पर काफी सारे मैग्मा ब्लॉक है। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ते, इधर थोड़ा सा बना हुआ है तो यहाँ से ऊपर चढ़ते। और गाइस इधर ये जो पिगमेंट है ना गाइस, इनसे ट्रेडिंग करके देखते हैं। अभी फिलहाल ये जो बोटल्स है ना, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो इनको मैं उठा के बाहर फेंक देता हूँ। एक फेंक दी यहाँ पर, और ये जो बाकी दो है इनको भी फेंक देता हूँ। और यहाँ पर इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, ये लो ये लो, ये तुम्हारे लिए लेकर आओ, मैं नीचे से बहुत ज्यादा माइनिंग करके। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको गोल्ड इंगट दिया था ट्रेड करने के लिए, बट यार ये तो इसके बदले कुछ दे ही नहीं रहा है। शायद से गाइस यार वो ना दूसरे वाले पिगमेंट होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं। फिलहाल इधर काफी सारे मैग्मा ब्लॉक है, और ये देखो मैग्मा ब्लॉक को बुझाने का फायदा हमें एक गोल्ड नगेट मिल गया। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी जल्दी से यार मैं वापस निकल लेता हूँ अपने कासल के लिए। बट यार ये सामने क्या चीज है भाई? ये तो गाइस शायद से मेरे को बेशन ऑफ रेमनेंट लग रहा है देखने में, तो क्योंकि उसी के अंदर इतने सारे ब्लैक स्टोन होते हैं। तो फिलहाल मैंने पोशन तो पी रखा है, तो क्यों ना गाइस जल्दी से मैं लावा में कूद के वहां पर चलकर देखूं कि आखिरकार वो क्या चीज है। देखने में तो यार काफी ज्यादा बढ़िया है, कहीं ऐसा ना हो कि यार सिर्फ और सिर्फ वहां पर ब्लैक स्टोन ही हो। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहां पर मैं लावा में तैरता तैरता यहां तक तो पहुंच चुका हूं, लेकिन गाइस यार मुझे ये नहीं मालूम कि ये वाले जो मॉन्स्टर है मेरे को मारेंगे या फिर नहीं मारेंगे। फिलहाल अभी तक तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, और गाइस फाइनली मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। तो बस अभी ना गाइस जल्दी से जो ब्लैक स्टोन है ना, इनको तोड़ के मैं इस जगह के अंदर चलता हूं। बाकी यार इधर कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्टोन है। और यहां पर मेरे को एक गिल्डेड स्टोन मिला था, कि क्या था, एक सेकंड, यहां से मुझे गोल्ड नगेट मिले हैं। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको मैंने कलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। यार मेरी डायमंड पिकेक्स की ना आज पूरी पूरी हालत टाइट हो जाएगी, तो भी फिलहाल यहां पर मैंने इसको भी तोड़ दिया। ओ भाई साहब, सामने की तरफ में मैग्मा ब्लॉक था, मेरे को लगा कि ये मारने आ रहा है। तो भी ना गाइस जल्दी से यहां पर ऊपर की तरफ में जाना है। यार यहां पर कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है क्या ऊपर जाने के लिए? खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी ना तोड़ तोड़ के ऊपर चलते हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं ब्लॉक लगा के थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका हूं, और सामने की तरफ से गाइस लावा आ रहा है। तो सबसे पहले ना गाइस इस लावा को बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि भैया इसकी वजह से मैं बहुत ही बुरी तरह मर जाऊं। फिलहाल नीचे की तरफ में गाइस एक मॉन्स्टर और है, तो क्यों ना इससे मजे ले जाए। वैसे ये लोग हमको मारते हैं क्या? निकल तेरी ऐसी की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, यहां पर इसने अटैक तो नहीं किया। अबे ये तो डरपोक से हैं, मैं इनसे बेमतलब डर रहा था यार इतनी देर से, इनके अंदर तो कुछ दम ही नहीं है। तो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं ऊपर चलता हूं, और इस जगह पे तो यार टॉर्च भी ढंग से काम नहीं कर रही, एकदम अंधेरा सा हो रखा है। तो वैसे यहां पर लावा भी ढेर सारा है, इसको भी बंद करो भैया, अभी मेरे को लावा से नहीं मरना। और गाइस ये पूरी की पूरी सीढ़ी जा रही है यार ऊपर, कितनी बढ़िया जगह लग रही है ना। तो यार अभी जल्दी से एकदम आराम आराम से ऊपर चलकर देखते हैं। अपनी स्वॉर्ड मैं बाहर निकाल लेता हूं, वैसे जो मेरे पास स्वॉर्ड है ना गाइस वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। और यहां पर गाइस मेरे को पिगमेंट की आवाज आ रही है। वैसे मैंने गोल्डन चेस्ट प्लेट पहन रखी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे जब तक मैं उनके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तो भाई मेरे को उनके ऊपर अटैक करना भी नहीं है। फिलहाल यहां पर एक रास्ता और जा रहा है नीचे की तरफ में, तो गाइस ये तो वही है जहां से मैं आया हूं। अभी ये घुमा फिरा के वहीं पर ले जाएगा। और एक सेकंड गाइस, मेरे को ऊपर से अभी ये रे वो पिगमेंट शायद से। गाइस ये लोग ट्रेडिंग करते हैं क्या? ये ले ले तेरे लिए, मैं लेकर आऊं बड़ी दूर से। यार ये कुछ नहीं उठा रहे, पता नहीं यार वो कौन से पिगमेंट होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। फिलहाल अब जाकर यहां पर हमको मॉन्स्टर तो दिख गए, यानी कि ये जो जगह है ना गाइस खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल यहां पर गाइस सामने की तरफ में दो दो गोल्ड ब्लॉक है भाई साहब, एक सेकंड। लेकिन गाइस अगर मैं इसे चुराऊंगा ना तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि चुराना चाहिए या फिर नहीं चुराना चाहिए। क्योंकि गाइस यार ये वाले जो पिगमेंट होते हैं ना, अगर हमने गोल्ड की चेस्ट प्लेट पहन रखी है तो कुछ नहीं कहेंगे, बट अगर हम इनका गोल्ड चुराएंगे ना तो ये मारना शुरू कर देते हैं। तो एकदम ना चुपचाप से मैं इनका गोल्ड चुराऊंगा, एकदम बढ़िया सी जगह पर जाकर जहां पर ये लोग मेरे को कुछ भी ना कह पाए। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल यहां पर मैंने एक बढ़िया सी जगह बना लिया जहां पर आकर मैं इनका गोल्ड चुराने वाला हूं। अब बस जल्दी से ना यहां पर मैं इनका गोल्ड ब्लॉक तोड़ता हूं और कलेक्ट कर लेता हूं। अभी बैग में जगह नहीं है भाई, ये भाग कर ना जाए। अभी फिलहाल यहां पर ये फेंक देता हूं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहां पर एक गोल्ड ब्लॉक तो मैंने ले लिया, और इस तरफ मैंने गाइस एक गोल्ड ब्लॉक और है। तो सबसे पहले ना गाइस यहां पर मैं ये लगा देता हूं, ताकि जो गोल्ड ब्लॉक है ना उड़ के नीचे ना चले जाए। तो भी जगह तो मैंने एकदम परफेक्ट कर दिया है। सामने की तरफ में ना एक पिगमेंट आया था, वो भी जा चुका है। तो जल्दी से गाइस इसे मैं तोड़ता हूं। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल यहां पर मेरे पास दो ब्लॉक ऑफ गोल्ड हो चुके हैं, चार एंशियंट डेब्रिस हो चुके हैं। गाइस एक काम करता हूं, सबसे पहले ना इसे मैं अपनी एंट्री चेस्ट के अंदर रखवा देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं मर जाऊं और जो मेरे को मिला ना भाई वो भी नसीब में ना हो। तो बिना सबसे पहले ये रही मेरी एंट्री चेस्ट, बाकी यहां पर पिगमेंट है उस तरफ में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को आके मारने लग जाए। बाकी यार इनका सामान चुराया तो हो सकता है कि ये लोग मेरे को मारे।
मारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों चीज मैं रखवा देता हूँ, और अभी जल्दी से यहाँ पर जो मेरी सिल्क टच वाली पिकैक्स है ना, इसको मैं इससे तोड़कर कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। तो अभी जल्दी जल्दी टूट जा भाई, इतना टाइम कैसे लगा रही है आज। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैंने इसे तोड़ दिया, अपनी एंडर चेस्ट को यहाँ पर संभाल के रखते हैं। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना खाना वाना खा के पेट एकदम पूरा का पूरा भर लिया है। वैसे यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर है ना, मेरे को इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ये लोग जब तक मेरे पास एक गोल्ड चेस्ट प्लेट है ना, ये लोग मेरे को कुछ भी नहीं करने वाले। क्यों भाई, अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने गलती से इसके ऊपर अटैक कर दिया भाई। एक सेकंड यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने मजे में गाइस इसके ऊपर अटैक कर दिया, और सामने से यहाँ पर गाइस काफी सारों ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। नहीं 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 फिलहाल अभी सामने से तो आ जाओ, पीछे से कोई मत आना। ओ भाई मैं मरने वाला हूं गाइस, मैं मरने वाला हूं, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। मर जाओ भाई, यहां पर ऊपर से भी एक और यार, ये मेरे को कुछ नहीं गाया था, मैंने इसको बेमतलब मार दिया, और नीचे से भी गाइस आना शुरू कर दिया। भाई भाई भागो भागो भागो। ओ भाई 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 एक सेकंड गाइस, बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहां से सीधा नीचे कूद जाऊं भाई साहब। जैसे तैसे करके गाइस मैं बच गया हूं। अभी ना जल्दी से मेरे को खाना खा के अपना पेट भरना है। यार ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, बट मैंने खतरनाक बना दी थी अपने लिए एक सेकंड के लिए। तो अभी जल्दी, एक सेकंड नहीं भाई, पूरे के पूरे 10 सेकंड जान निकल गई। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 11 मटन बचा हुआ है, बाकी थोड़ा बहुत रोटेन फ्लैश भी मेरे को यहां से मिल चुका है। तो गाइस अभी ना एकदम आराम आराम से मैं आगे चलूंगा, मेरी स्वॉर्ड की एचपी भी काफी ज्यादा कम हो गई है इनसे पंगे लेकर। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल जो मेरी गोल्डन स्वॉर्ड है ना, उसका डैमेज बहुत कम है, तो इसलिए मैं अपनी आयरन स्वॉर्ड ही यूज करने वाला हूं, नॉर्मल वाली जिसके अंदर कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं लगी है। और अगर दिक्कत होगी ना, तो यहां से मैं क्राफ्ट कर लूंगा। वैसे अभी क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा, और मेरे पास थोड़ा बहुत भी वुड नहीं है, एक तो टॉर्च बार बार लग जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो गाइस अभी ना एकदम आराम आराम से मैं ऊपर जाने वाला हूं। ये जगह गाइस काफी ज्यादा मेरे को खतरनाक लग रही है, और यहां पर ना गाइस एक सीढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ में। तो जल्दी से ये सीढ़ी, अभी ये कैसी सीढ़ी है भाई, यहां से तो कोई ऊपर जा ही नहीं सकता, तो यहां वाली सीढ़ी से ऊपर चलते हैं एकदम आराम आराम से। भाई ऊपर की तरफ से ना गाइस मेरे को पिगमेंट्स की आवाज आ रही है, ये जगह बंद करो भाई, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर से पिगमेंट आएंगे मेरे को मारने के लिए। भाई यहां पर जितने भी पिगमेंट थे ना, सारे के सारे भड़क चुके हैं मेरे ऊपर, और सबके सब अपना गाइस मेरे को ही मारने वाले हैं। तो सबसे पहले वाली जगह मैं बंद करता हूं, ताकि एक बंदा ना एक ही साइड से आए। यहां पर सीढ़ियां तो दोनों साइड है, बट अगर एक साइड से बंदा आएगा ना तो बढ़िया रहेगा। वैसे गाइस एक ना जबरदस्त आइडिया मेरे पास, एक ब्लॉक गाइस मैं यहां पर लगाता हूं, अभी जो पिगमेंट है ना भाग कर मेरे पास आएंगे, और इनको मैं कुदा के नीचे गिरा दूंगा। जल्दी जल्दी आओ भाई, कोई तो आओ। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को यहां से ऊपर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। भाई सब ये कहां से आ गया, निकल यहां से। तो गाइस देखो जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, यहां पर एक आया उसको मैंने नीचे गिरा दिया, बाकी यहां पर ना ऊपर और भी काफी सारे हैं। जल्दी आओ भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहां पर पीछे से तो कोई नहीं आएगा ना भाई, आवाज तो इनकी बहुत ज्यादा मेरे को आ रही है, मेरे को डर बहुत ज्यादा। ओ भाई एक सेकंड, ये कौन है? ओ भाई साहब ये मैं कहां पर आ गया? भाई भाई भागो 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 भाई, मारा किसने, मैं पहुंचा कहां पर कुछ नहीं मालूम। भाई साहब इस बार तो भगवान ने बचा लिया, मेरे को नहीं मालूम कि मैं किस तरीके से नीचे आया, बट जो भी है इस टाइम पर गाइस मैं बच चुका हूं। तो सबसे पहले ना गाइस मेरे को इन लोग के ऊपर अटैक नहीं करना, क्योंकि इनसे फाइट करके मेरे को ये तो मालूम पड़ चुका है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। बाकी यार यहां पर ना आगे की तरफ में इनका एक बंदा जो मैंने नीचे गिराया था ना गाइस, मेरे को लग रहा है वो भी यहीं कहीं पर है, उसकी आवाज मेरे को बहुत ज्यादा आ रही है, और अगर वो भाग कर आना तो गाइस मैं बहुत ही बुरी तरह उससे पिटने वाला हूं। एक सेकंड, वो नीचे ही है गाइस, वो नीचे ही है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं उसे मारूं या फिर ऊपर जाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई वो नीचे ही है, 100% वो नीचे ही है। तो यहां पर यहीं कहीं से मेरे को उसकी आवाज आ रही है, कहां को जाऊं मैं, यहां पर लेफ्ट में जाता हूं जहां से मैं आया था। बाकी तू है तो नीचे बता दे, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, वरना मैं तेरे को बहुत बुरी तरह कूटूंगा। मजाक कर रहा हूं भाई, पता चला बहुत बुरी तरह वो मेरे को ही कूट दे। अभी फिलहाल यहां पर भी नहीं यार, आवाज तो मेरे को उसकी आ रही है नीचे से, बट वो मेरे को नीचे नजर नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, मैं उसे अभी ढूंढने नहीं वाला यार, मेरे को ऊपर जाना ही नहीं है, मैं नहीं जा रहा भाई, ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है। बट इतना याद रख लो कि अगर जहां खतरा है ना, वहां पर फिर चीज भी कुछ तगड़ी मिलने वाली है। फिलहाल यहां पर तो भी खैर छोड़ो, मेरे को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी। फिलहाल गिरा गाइस, गिरा वो, गिरा गिरा गिरा। सबसे पहले रास्ता बंद करो, वरना ये भाग के सीधा मेरे पास आ जाएगा। एक काम करता हूं गाइस, ये लेता हूं इसकी भैंस की डंग, बहुत देर से चुनाव निकल यहां से। अब आके दिखा तेरी ऐसे की दसी, नीचे से कोई ना चो। ओ भाई ये किसने मारा, मेरे को मारा किसने? अबे तू कहां से है भाई? एक सेकंड, भागो भागो भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ होगी। सबसे पहले ये जगह बंद करो, बस 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 बस, मैं सेफ हूं भाई, अभी वरना बहुत बुरी तरह मरता मैं। ये हुआ क्या था भाई, मेरे पीछे कब खड़ा होगा वो? तेरी भैंस की डंग, मेरे को मारेगा तो निकल यहां से। अभी गाइस मैं इसका भूत बनाऊंगा, इधर आ। ये बहुत चौड़े हो रहे हैं ना गाइस, अभी इनका मैं मुंह तोड़ता हूं। एक तो चलो बस पिटने वाला गाइस, यहां पर तीन चार आ चुके हैं मेरे हिसाब से। अब गाइस इनकी रेल बना दी तुम्हारे भाई ने। रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं मारना इनको, ऐसे नहीं मारना। अब आओ अच्छे से पिटोगे तुम बेटा, तुम्हारे साथ मैंने ट्रैप बिछा दिया है। तो गाइस इन बिचारों की यार मैंने ऐसी की तैसी कर दी, यहां पर ये सारे के सारे मेरे से लड़ने के लिए आ रहे हैं, बट मैंने रास्ता ही कुछ ऐसा बना रखा है कि ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब ये सारे के सारे भाग के नीचे आएंगे, मैं इन सबको मारूंगा, फिर आराम से ऊपर जाके लूटूंगा। फिलहाल इस तरफ में ना गाइस एक बढ़िया सा रास्ता बन चुका है, यहां पर एक बार ब्लॉक तोड़ के मैं देखता हूं कि अब ये जो जगह है मेरे लिए सेफ है या फिर नहीं है। वैसे गाइस जगह तो मैंने काफी ज्यादा बढ़िया बना ली, अगर अब कोई भी आएगा ना तो मैं सीधा उसे मार के और भाग के इधर आ जाऊंगा। बाकी यार तू तो मेरा छोटा भाई है, तू कुछ नहीं कहेगा। चलो अभी इस पे मेरे को थोड़ा बहुत विश्वास है, अभी जल्दी से ना खाना खा के पेट भरता हूं। ओए यहां पर गाइस आया आया आया, कोई तो आया, कोई तो आया। एक सेकंड, यहां पर मेरे को आवाज आया, बट डरा मत यार, ये ज्यादा डरा रहा है यार, वो लोग कुछ नहीं कह रहे, इसके फुट से ना मैं थोड़ा बहुत डर जा रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं गाइस क्यों ना
इसको मार दूं। फिलहाल ये तो अभी ऊपर जा चुका है और गाइस ये ऊपर जाने का वही रास्ता है, नहीं नहीं ये वही रास्ता है, बाकी अभी मेरे को ऊपर हट जा रास्ता, लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर चल रही है, तू बीच में आके खड़ा हो गया यार, ये अलग ही परेशान कर रहा है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल बहुत मजाक हो गया, मेरे को लग रहा है कि मुझे ऊपर चलना चाहिए, डर के आगे जीत है बस ये याद रखकर। तो बिना गाइस एकदम आराम से मैं ऊपर चलता हूं, जो भी आएगा सीधा मेरे को मारना नहीं, उससे बच के भागना है। फिलहाल सामने की तरफ मैंने गाइस एक चेस्ट है, अगर मैं इस चेस्ट को लूटूंगा ना तो गाइस मुझे पता है ये लोग मेरे को आके मारने वाले हैं बहुत ही बुरी तरह, तो इसलिए ना गाइस सबसे पहले तो इनका ये जो रास्ता है ना मैं इसको बंद कर देता हूं। नहीं इधर अंदर नहीं आने का, पहले चेस्ट लूट कर देखता हूं, पता लगा कि मारने लग जाए। फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, मैं चेक कर रहा था बस यहां पर, अभी तो फिलहाल ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे, बाकी अगर वो वाले आ गए ना पिक्स तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी फिलहाल मेरे को इसको लूट लेना चाहिए, फिलहाल इसके अंदर एक सोल स्पीड है तो ये मैंने उठा लिया। गाइस ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे, मैं बेमतलब में डर रहा हूं। फिलहाल यहां पर काफी सारी मैग्मा क्रीम है, ये मेरे को नहीं चाहिए, और मैं मैग्मा क्रीम क्या होता है मैग्मा क्रीम, तो ये मेरे को नहीं लेना। फिलहाल सोल स्पीड के मेरे को बूट्स मिल गए, ये ले लेता हूं, बाकी आयरन नगट वगैरह मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया। फिलहाल यहां पर और गोल्ड बूट है और यहां पर ये गोल्ड बूट तो मैंने ले लिया यार, ये गोल्ड भी मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा है लेने के लिए, कुछ तगड़ा है ही नहीं यार इनके पास, ये पैको ले लेता हूं फिलहाल। अभी क्या पता गाइस यार ये सब जो चीजें हैं ना अपने बाद में काम आ जाए यहां से बाहर निकलने के, अभी फिलहाल ये सब मैंने कलेक्ट कर लिया। और यार मेरे को आके झटके से मारने मत लग जाना इस टाइम पर, यार मेरे को वैसे इनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और वो सामने वाली छत पर देखो यार कितने सारे यहां पर ये पिगमेंट्स स्पॉन हो रखे हैं, तो भी जल्दी से गाइस ये वाले बूट में लेता हूं, ये बेसॉल्ट फेंक दो। और ये बैनर पैटर्न क्या है, बैनर पैटर्न हमें नॉर्मली विलेजर कार्टोग्राफर से मिल जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, बाकी गोल्ड की भी इतनी कोई कमी नहीं है हमारे पास, तो मेरे को गोल्ड भी नहीं चाहिए। अभी जल्दी से ना गाइस यहां से मैं आगे चलता हूं, फिलहाल अगर मैं ये लोग मेरे को देख लेंगे ना कि मैं गोल्ड चुरा रहा हूं तो मुझे पक्का पता है ये लोग मेरा मुंह तोड़ने वाले हैं। अभी फिलहाल यहां पर एकदम आराम से मैं ऊपर आ चुका हूं, गाइस यहां पर काफी सारे पिग हैं बट ये दूसरे वाले हैं। ओके तो ये तुम मेरे को कुछ कहोगे तो नहीं ना, मैं तुम, अबे भाई तुम तो अपने भाई हो यार, तुमको भी गोल्ड दूंगा दबा के, लो कोई दिक्कत की बात नहीं, लो गोल्ड खाओ आओ इसे जो करने करो, मेरे को बस कुछ ढंग की चीज दो यार, यूनिक सी जो बढ़िया सी हो। अभी फिलहाल यहां पर गाइस मैं एकदम टॉप फ्लोर पर आ चुका हूं बट इधर कुछ भी काम का नहीं है और इधर अभी खतरा भी नहीं है, वही दो तीन बंदे थे खतरनाक वाले, उन सबको तो मैंने मार दिया। तो गाइस अभी ना जल्दी से यहां से मैं निकल लेता हूं सीधा नीचे की तरफ में। और गाइस देखो यहां पर ना दो सीढ़ी थी, एक सीढ़ी जा रही थी लेफ्ट में, एक सीढ़ी जा रही थी राइट में, तो लेफ्ट साइड तो मैंने देख लिया। और ये देखो ये कहां पर जा रहा है भाई, मेरे को लेकर चल। ओके तो गाइस वो देखो वहां पर एक रास्ता गया हुआ है, तो मेरे को ना गाइस अभी उस साइड पर जाना है, मैं उसी रास्ते की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ना उसके लिए मेरे को ये चीज तोड़नी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तोड़ूं और ये लोग भाग कर आए सीधा मेरे को मारना शुरू कर दें। तो ये जगह गाइस मैंने तोड़ दी। वो देखो गाइस सामने की तरफ में एक चेस्ट है और वहां पर एक गिल्डेड स्टोन भी है, तो अभी ना गाइस बस मेरे को वहां पर जाके वो जगह को लूटना है और वो जो गिल्डेड ब्लैक स्टोन है ना गाइस वो मेरे को तोड़ने नहीं है, अदरवाइज ये लोग मेरे को मारना शुरू कर देंगे। अभी जल्दी से मैं इसको खोलता हूं। गाइस इसके अंदर दो एंशिएंट डायमंड्स, ओ भाई साहब मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, बाकी कोई मारने मत आ जाना यार, मेरे को तुम लोग से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं यार मेरे को इन पे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को इतनी नॉर्मल ये लोग सामान लेने कैसे दे रहे हैं। फिलहाल इसके अंदर एक डायमंड की शवल है तो ये वाली लेकर मैं आयरन वाली फेंक देता हूं, बाकी यहां पर मैग्मा क्रीम इतनी सारी है कोई यूज ही नहीं है इसका, तो फिलहाल यहां पर एक गोल्ड भी ले लेता हूं, ये सारा गोल्ड भी ले ही चलते हैं, बाकी यार इतनी अपने पास बैग में जगह ही नहीं है कि मैं ये सब उठाऊं। ओए यहां पर एक सेकंड, ये एक अलग सी आवाज, अच्छा ये छोटे वाले जो होते हैं ना उनकी आवाज होती है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल ये जगह मैंने पूरी की पूरी लूट ली है, बट सामने की तरफ में जो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना गाइस अभी वो रह रही है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अभी गाइस जल्दी से यहां से मैं नीचे निकलता हूं, यार ये जगह तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट अभी ना गाइस मेरे को एक चीज समझ आ गई है कि वो जो दूसरे वाले होते हैं ना वही हमें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो नॉर्मल वाले पिगमेंट होते हैं ना ये हमें कुछ नहीं कहते। तो बिना गाइस मेरे को बस यहां पर नीचे की तरफ में जंप मारना है, खाना भी फिलहाल ठीक ठाक पड़ा हुआ है, बट सबसे पहले खाकर मैं पेट भर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हेल्थ बाद में कम हो जाए और फिर बाद में खाना खाने का टाइम ही ना मिले। तो चलो यार अभी जल्दी से एकदम आराम से आगे चलता हूं, मेरे को पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। सबसे पहले ना गाइस यहां पर एक रास्ता बना लेता हूं कि अगर मैं भाग के आऊं तो इधर सेफ हो जाऊं। मारने आ रहा है क्या भाई, मारने मत आ यार, मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम लोग को समझ रहा है ना बात को। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल उस साइड जाने के लिए इधर मैंने एक ये बाउंड्री बना लिया है ताकि उधर के बंदे इधर ना आ पाए, और अगर मैं भाग कर इधर आ जाऊंगा ना तो मैं थोड़ी देर के लिए सेफ बैठ पाऊंगा। तो चलो गाइस अभी फिलहाल ये जगह तो अपने लिए काफी ज्यादा सही है, बट उसके लिए ना गाइस सबसे पहले मेरे को भी एक चीज और देखनी है, अगर मैं डायरेक्टली यहां पर आगे जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बट अगर इस तरीके से जाऊंगा ना तो यार ये जितने भी बंदे हैं ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं थोड़ा बहुत ऊंचाई पर रहूंगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहां पर मैं इस तरीके से ब्लॉक्स लगाते काफी ज्यादा आगे आ चुका हूं, बट यार मैं इतना ज्यादा सीरियस बेमतलब में ही हो रहा हूं, यहां पर यार बिल्कुल भी खतरा नहीं था। एक सेकंड गाइस, उसने मेरे को सामने से देख लिया है और मुझे पक्का पता कि गाइस वो भाग कर मेरे को मारने के लिए आने वाला है। सबसे पहले ना गाइस ये जो जगह अपने लिए मैं सेव कर लेता हूं ताकि कोई मेरे तक ना पहुंच पाए। फिलहाल ये एक जगह है जहां से ये लोग मेरे पास तक पहुंच सकते हैं। अभी ना गाइस यहां पर मैं इनको अपने पास बुलाता हूं, आजा तेरी भैंस के
बहुत देर से चोना हो रहा है, कुछ कह रहा था मैं तेरे को इतनी देर से, वहां पर तो तेरे भाई यार मेरे को बहुत मार रहे थे, और गाइस अभी फिलहाल तुम्हारे भाई ने अटक रखा है, तू तेरी ऐसे कैसे निकल यहां से। अभी फिलहाल यार ये कुछ अच्छा ही अटका हुआ है गाइस, अभी फिलहाल इनका मैंने भूत बना दिया भाई, पूरी तरह अटके पड़े थे पता नहीं कहां पे। अभी फिलहाल वहां पर सामने एक और है, बहुत देर से चोड़े हो रहे। ओ तू क्यों आ गया, तेरी भैंस की टांग, यहां पर गाइस होगी गड़बड़ होगी होगी होगी, जल्दी 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 से ब्लॉक लग जा भाई साहब, अभी हालत खराब हो गई थी मेरी, बट तुम्हारे भाई ने ना सही टाइम पर ब्लॉक लगा दिया। अभी ना गाइस बस जल्दी से मेरे को एक यहां पर इस तरीके से दीवार बनानी है, और ऊपर जाके ओए ये कहां से स्पॉन हो रहा है भाई, एक मिनट डराओ मत, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आवा तेरी ऐसी, बहुत देर से बदमाश बन रहे हो, आ निकल यहाँ से। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मेरे को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सभी को मैंने बहुत बुरी तरह मारा, और मैं अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स किस खुशी में यूज कर रहा हूँ भाई, अपनी एंटर चेस्ट भी नहीं मैं दोबारा यूज कर पाऊंगा। तो अभी ना गाइस जल्दी से मैं इसे लपेटता हूँ, चल तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर ना नीचे एक चेस्ट है, बस मेरे को वो वाली चेस्ट जाकर लेनी है, बाकी तो यार इधर मेरे को नहीं लगता ज्यादा कोई काम की चीज है अभी फिलहाल। यहाँ पर ये बंदा है, इधर आ जल्दी, ओपन चैलेंज। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, सामने वाला जो है ना गाइस मेरे को बस इसे मारना है, निकल यहाँ से। तो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया है, पीछे की तरफ मैंने गाइस एक ब्लॉक लगा देता हूँ, वरना सामने वाले तो मेरे को आके मार नहीं पाएंगे। और गाइस ये जगह क्या है, मजाक है क्या है भाई ये, एक सेकंड रुक जाओ, आप नीचे की तरफ में देखो गाइस क्या ही सीन है। सबसे पहले तो गाइस इसको मार के इसका मैं खेल खत्म करता हूँ, बहुत देर से दिमाग खराब कर रहे हैं, दूर हो जाओ बदबू आ रही थे मेरे से बहुत ज्यादा। तो चलो अभी फिलहाल इसको मैंने मार दिया, शायद एक सेकंड वो नीचे की तरफ में गाइस यहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ है, तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं वाला गोल्ड लेने जाने वाला हूँ नीचे, बट काफी ज्यादा खतरा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं यार, खतरों का सामना हमने करना सीखा है। तो भी जल्दी से हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिलहाल ये जो रास्ता है ना गाइस मैं ब्लॉक कर लेता हूं, ताकि ऊपर से ना कोई भी मेरे पास तक ना पहुंच पाए। तो भी फिलहाल अंधा मेरे पास इस टाइम पर ये जो नेदर रैक का पड़ा हुआ है, तो मैं जितना चाहूं उतना यूज कर सकता हूं। तो भी सबसे पहले यहां पर ना गाइस एकदम आराम से मैं नीचे उतरता हूं, एकदम सेफ्टी के साथ गाइस मैं नीचे जाने वाला हूं, ये जगह अपने लिए सेफ है। तो सबसे पहले ना गाइस इस जगह को मैं एकदम बढ़िया तरीके से बनाता हूं, दो ब्लॉक लगाए, एक जब मैं अंदर आकर इसे बंद कर दूंगा। तो भी जल्दी से इसे मैं खोलता हूं, काफी सारी मैग्मा क्रीम, और गाइस ये कौन से वाले तीर है भाई, एक सेकंड, ये स्पेक्ट्रल एरो। तो यार ये स्पेक्ट्रल एरो पता नहीं किस काम आने वाली है, बट जो भी है काम की तो होगी, तो इसलिए मैं यहां पर थोड़े बहुत नेदर रैक फेंक के से उठा लेता हूं। बाकी यार इसके अंदर एक लूटिंग वन की स्वॉर्ड है, तो ये वाली लेकर मैं ये वाली फेंक देता हूं, अभी इसका कोई यूज नहीं है। एक काम करता हूं, फेंकने से बढ़िया ना इसको मैं इसी वाली चेस्ट के अंदर स्टोर करवा दूंगा, बाकी यार इतनी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस जगह को बंद करो, यहां पर जो मेरी एंटर चेस्ट है ना गाइस इसके अंदर सारा फालतू का सामान मैं रखवा देता हूं जल्दी से। तो अभी फिलहाल यहां पर देखो क्या क्या काम का, एंशिएंट डेब्रिस मिला था, ये वाली बुक मिली थी, और साथ के साथ यहां पर जो जितना भी गोल्डन का सामान मिला ये भी सारा का सारा रख देता हूं, ये जो गोल्डन चेस्ट प्लेट वगैरह सब कुछ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर जितनी भी फालतू की चीजें थी वो तो मैंने सारी की सारी इसके अंदर स्टोर करवा दिया, बाकी भी मेरे को और कुछ भी इसके अंदर स्टोर नहीं करवाना। जल्दी से ना गाइस इस जगह को तोड़ के मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूं। वैसे यार खाना तो भी फिलहाल ठीक ठाक पड़ा हुआ है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि अपने पास ये जो खाना है इनफ है, मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत और की जरूरत पड़ सकती है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर नीचे की तरफ में देख पा रहे हो भाई, इस चीज को देखने के बाद ना किसी भी बंदे को आराम से लालच आ जाएगा इसको लेने का। अब चारों तरफ एकदम दबा के लावा है, साथ में नीचे ना काफी सारे मॉन्स्टर भी है जिनसे बहुत ज्यादा खतरा है। बट यार अभी ना मेरे को कुछ भी कर वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है, बट यार वहां पर जाने का ना कोई भी मेरे को बढ़िया सा रास्ता मिल नहीं रहा कि मैं कहां से जाऊं। फिलहाल मैं गाइस एक काम करता हूं, इस जगह को ना तोड़ के मैं एकदम आराम से ना नीचे जाने की कोशिश करता हूं, बट कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से ना मॉन्स्टर आए और सीधा मेरे को मारना शुरू कर दे। वैसे मॉन्स्टर नहीं गाइस ये पिगलिंस होते हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। सिर्फ वो एक ही अटैक में मेरी आधी एचपी कर दी थी भाई इसने लास्ट टाइम। अभी एकदम आराम से सारे के सारे ब्लॉक तोड़ता हूं, और गाइस अभी फिलहाल मैं एक फ्लोर नीचे तो आ चुका हूं, ठीक है अभी एक फ्लोर मैं नीचे आ चुका हूं, बट मेरे को यहां से और नीचे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। बाकी यार देखो नीचे तो जाना ही पड़ेगा अगर लूटना है। फिलहाल यहां पर जो रास्ते है ना मैं बंद करता हूं, ताकि मैं काफी ज्यादा सेफली वहां पर जा पाऊं, मतलब कि ऐसा ना हो कि मैं नीचे जाऊं और ये लोग सीधा मेरे को ना मारना शुरू कर दे। अभी फिलहाल यहां तक तो मैं आ चुका हूं, और ये जगह गाइस मेरे लिए सेफ है हर साइड से। तो भी सबसे पहले ना गाइस ये वाला ब्लॉक मैं तोड़ के, ओ भाई मैं तो काफी ज्यादा क्लोज आ गया हूं इस जगह के, मेरे को ना गाइस थोड़ी बहुत ब्लॉक और तोड़ने हैं। सबसे पहले ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूं, यहां पर नीचे वाले, ओ भाई मैं तो काफी ज्यादा पास आ गया यार, यहां पर गाइस अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बट सामने की तरफ में वो मॉन्स्टर है क्या, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वही है वो बंदा जिसकी मेरे से लड़ाई होने वाली है। ये रहा, आ जाओ तुम्हारी ऐसे की तैसी, आज तुम्हें मैं देख ही लेता हूं। बाकी नीचे की तरफ में तो गाइस काफी सारे बंदे हैं, इधर आ तेरी मैं इसके इसके पड़े के रख ले यहां से। ओ भाई एक शॉट में ही मर गया ये तो, एक सेकंड भाई ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर था, एक शॉट में कैसे मर गया यार, इनकी हेल्थ मैंने सुना ज्यादा होती है। फिलहाल यहां पर नीचे की तरफ में ये इनको क्या कहते हैं स्लाइम के भाई बहन, ओ भाई यहां पर तो काफी सारे आ गए। चलो कोई नहीं गाइस अच्छी बात है, अगर सारे के सारे इधर आ
जाएंगे ना तो बढ़िया रहेगा। अभी ना गाइस सबसे पहले ये वाला मैं ब्लॉक तोड़ के देखता हूँ। ओ भाई ये तो डायरेक्टली नीचे दिखने लग गया। अभी ना गाइस सीधा मैं इनको मारना शुरू कर देता हूँ। रुक जाओ, एक ब्लॉक और तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं इनका मुंह तोड़ूंगा। आओ बेटा देखते हैं किसके अंदर कितना दम है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर मैंने इनको मारने के लिए ना एकदम बढ़िया सी जगह बना लिया। अब यार ये लोग मेरे को कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं इनको भूत बना बना के मारूंगा। फिलहाल नहीं, अबे तेरी भैंस के रंग, नीचे आके कूटूंगा भी बहुत बुरी तरह। इधर आ, निकल यहाँ से। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इनको बड़ी बुरी तरह मारना शुरू कर दिया है। और गाइस इनके साथ में मेरे पास एक मस्त तरीका स्कैम करने का। ये लो तुम इससे ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग। अबे गोल्ड नहीं दिख रहा तो मैं गोल्ड उठाओ, गोल्ड उठाओ। तो अभी फिलहाल ये लोग भाई लड़ाई के टाइम पर इनका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा। आ तेरी ऐसी तरह से निकल। तो गाइस यार देखो इनकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है जैसे लंगर बट रहा हो। अब यहाँ पर फिलहाल तीन पिगलिन और थे और इनको भी तुम्हारे भाई ने समझ लो ऑलमोस्ट ढेर कर ही दिया है। पर तुम्हारा समझ नहीं आ रही इतनी जान आ कहाँ से रही हो तुम्हारे अंदर। निकल यहाँ से, तू भी निकल। अच्छा अच्छा जल्दी, तू भी निकल, तू भी निकल, फटाफट भाग। क्या इतना टाइम है मेरे पास। और ये क्या, तू भी निकल भाई। ये मरने का नाम नहीं ले रहा, कितने खाएगा इधर। तेरे तो सीधा पट्टे से हटके पड़ेगा, निकल यहाँ से। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया। और गाइस अभी ना नीचे की तरफ में जितने भी पिगलिंस है ना गाइस शायद सारे के सारे मर चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं दोबारा से ब्लॉक लगाता हूँ भाई। सिर्फ और सिर्फ ये नेदर रैक की वजह से मैं इतना चौड़ा हो पा रहा हूँ। बाकी तो अभी मेरे पास कुछ भी ज्यादा काम का सामान नहीं बचा है। लेकिन ऊपर की तरफ में भी ना बहुत सारे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है उनकी आवाज आ रही है। फिलहाल सामने की तरफ में ना एक चेस्ट है। बट यार देखो अगर आप लालच में आए तो आप बहुत बुरी तरह मरोगे इन जगहों पे। तो इसलिए अगर चेस्ट भी लेनी है ना तो एक सेकंड, ये मैंने गलती कर दी थी अभी मालूम है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं आगे जाने वाला हूँ ताकि मैं एकदम आराम से चेस्ट लूट लूँ। और ये लोग अगर आ भी जाए ना तो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। ये री चेस्ट जल्दी से, अबे नहीं ये ब्लॉक नहीं लगाना मेरे को, इसे तोड़ो पहले। तो यहाँ पर एक ब्लॉक मेरे को आगे लगाना पड़ेगा। अब इस चेस्ट के अंदर मैं चेक कर सकता हूँ आखिरकार क्या है। तो जल्दी से खोलते हैं इसके अंदर। फिलहाल यहाँ पर गोल्ड, ओ भाई साहब ब्लॉक ऑफ गोल्ड मिल गया। ओके यहाँ पर गोल्ड इंगट मिल गया भाई, मैं डर गया था, मुझे लगा कोई बंदा आ रहा है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने काफी सारे कलेक्ट कर लिए और काफी सारा गाइस मेरे को यहाँ से एरो भी मिल चुका है जो कि मैं इन्हीं के अभी बजाने वाला हूँ। तो जल्दी से सारी की सारी उठाता हूँ। यहाँ पर जितना भी ऑब्सीडियंस है ये भी ले लेते हैं। बाकी मेरे को यहाँ से अभी कुछ भी नहीं चाहिए। अभी फिलहाल मेरे को वहां तक पहुंचना है और गाइस मैं उस जगह के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ। बट अगर मैं एकदम रास्ते से जाऊंगा ना तो गाइस ये लोग मेरे को पता है बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं। भाई ऊपर काफी सारे हैं गाइस, ऊपर बहुत ज्यादा बंदे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी ना गाइस एकदम अलग ही रास्ता बनाना पड़ेगा मेरे को वहां पर जाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि गाइस मैं वहां पर जाऊं और ये लोग मेरे ऊपर कूद जाएं, धप्पा सा कर दें। अभी फिलहाल यहां पर मैंने काफी सारे ब्लॉक लगा दिए हैं। सबसे पहले ना गाइस ये मैं तोड़ देता हूं ताकि ये लोग मेरे पास तक ना पहुंच पाए। भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, अगर चारों तरफ से मेरे पड़ने लग गई ना तो स्कैम हो जाएगा भाई अपने साथ बहुत बुरी तरह। बाकी यार तुम्हारा भाई फाइनली चोरी कर रहे तो पहुंच चुका है इनके गोल्ड की। सबसे पहले ना गाइस ये जो जगह मैं तोड़ता हूं ताकि ये लोग मेरे पास तक ना पहुंच पाए, ठीक है। अभी इनका रास्ता मैं तोड़ दूंगा, अपना रास्ता बनाऊंगा। अब यार देखो भाई ये क्या है, एक सेकंड। अरे नहीं 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 भाई कहां रही, कहां कहां कहां, नहीं भाई साहब एक सेकंड, मैं तो सीधा नीचे आके गिर गया गाइस। अभी ना सबसे पहले मेरे को यहां से सेफ जाना पड़ेगा। जल्दी से गाइस ये जो जगह है ना मेरे को बंद करनी है, फटाफट फटाफट। भाई साहब बच गया बच गया बच गया, मैं चारों तरफ से पूरा का पूरा लॉक हूं। भाई ये मैं कहां आके गिर गया हूं इस टाइम पर ना गाइस, मैं बहुत ही बुरी तरह फंस चुका हूं। मेरे को भी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि वैसे यार खाना खा लेता हूं बाद में पता चले दिक्कत हो जाए। तो चलो अभी फिलहाल खाना खा के पेट भर लिया है। गाइस यार मैं अच्छा खासा माइनिंग कर रहा था बट मैं बहुत ही बुरी तरह फंस चुका हूं। तो यहां पर ये जो रास्ता है ना शायद से मेरे को एकदम बढ़िया जगह पे बाहर निकाल देगा जहां से मैं आया था। तो अभी जल्दी से यहां पर ब्लॉक लगा के ऊपर चलता हूं, इसको और तोड़ते हैं और शायद से मैं सही आ गया हूं बट ऊपर से मेरे आके कोई कूद ना जाए। सबसे पहले यहां पर इसको उठाओ, ये रखो। अभी जल्दी से ना गाइस यहां पर ऊपर चल के मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं सही जगह पे बाहर आया हूं। वैसे एकदम परफेक्ट जगह पर बाहर आया हूं भाई, तुम्हारा भाई जल्दी गलत हो ही नहीं सकता। तो अभी जल्दी से यहां पर मैं नीचे कूदा था क्या लास्ट टाइम, नहीं नहीं मैं नीचे नहीं आया था। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे को यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो जितने भी आप ये देख पा रहे हो ना कूद कूद के आ रहे हैं, इनका स्पोनर बोरा सामने की तरफ में। तो गाइस मेरे को ना बस वो तोड़ना है और जो गेम है गाइस वो पूरी की पूरी अपने हाथ में आ जाएगी। बट उसको तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है, काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। बट अगर मैं एक TNT अपने साथ लेकर आता ना तो गाइस शायद से ये जो काम है मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होता। फिलहाल अभी गाइस मैं उस स्पोनर के काफी ज्यादा पास आ चुका हूं, निकल यहां से। तो अभी फिलहाल इसको मैंने मार दिया। ओके यहां पर एक पिगमेंट है, मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा ना ही मैंने तेरे दोस्तों को मारा, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल इसने मेरे को कुछ भी नहीं कहा। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं भाग की साइड पर आ चुका हूं। गाइस इधर है काफी सारा गोल्ड, अगर मैं उल्टी साइड से जाऊंगा ना तो गाइस अपना काम बढ़िया हो सकता है। बट इधर पिगमेंट्स की आवाज आ रही है, अगर वो भाग कर नीचे आ गए ना गड़बड़ हो जाएगी, आवाज तो बहुत ज्यादा गाइस वो आएंगे। इनका रास्ता बंद करो पहले, यहां पर ऊपर की तरफ में बैठे तो हैं बट वो आ नहीं रहे नीचे। ओ भाई ये देखो गाइस ये देखो, अच्छा हुआ कि मैं नीचे निकला। ओ भाई साहब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि गाइस मेरा लक कितना ज्यादा अच्छा है। गाइस यहां पर ना कम से कम ऐसा लग रहा 50-60 पिगमेंट भर चुके हैं, निकलो यहां से। गाइस अभी ना फिलहाल मैं सबको बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूं। मेरी इस टाइम पर गाइस एक्सपी एकदम दबा के पड़ेगी और मेरे
को इनसे काफी सारा गोल्ड भी मिलने वाला है। कि इनका स्पॉनर फार्म है क्या यार ये? जो भी चीज है ना गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर तुम्हारा भाई ने बहुत ही बुरी तरह कूटेगा, बस ये लोग किसी तरीके से ना मेरे को ना मार पाए। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, फिलहाल मैंने काफी सारे पिगमेंट्स को इधर मार दिया है, लेकिन यार अभी भी खत्म होने का नाम है। और तू कहां से आ गया भाई? एक सेकंड, यहाँ पर मेरी लड़ाई इनसे चल रही है और तुम लोग कहां से टपक रहे हो? निकल 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 भाई, इसको मारना बड़ा मुश्किल है यार। मैं क्या करूं यार, इनका तो कोई जुगाड़ भी नहीं है। फिलहाल बस इसके ऊपर अटैक करते रहो, ये अपने आप मर जाएंगे। बाकी जो गोल्डन की स्वॉर्ड है ना, ये 2 करोड़ की चूरन स्वॉर्ड है जो मैं चला रहा हूँ। इसकी हेल्थ भी खत्म हो गई। वो भाई 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 भागो 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 भी। फटाफट गाइस यहाँ से मैं पीछे निकलता हूँ। ये जगह मैं बंद करी, ये वाली जगह भी बंद कर देता हूँ इस तरफ से। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, फिलहाल मैं भाग कर इस वाले स्पॉनर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका हूँ। पहले इधर जो मैंने रास्ता बनाया था ना गाइस, इस रास्ते को ना मेरे को एकदम अलग तरीके से बनाना है। मतलब कुछ इस टाइप से बनाना है कि ये लोग मेरे को ना मार पाए। ठीक है, अभी ना जल्दी से यहाँ पर एक ब्लॉक लगाता हूँ, एक ब्लॉक यहाँ लगाता हूँ, एक ब्लॉक नीचे लगाना था यहाँ पे बस। अभी ये जगह थोड़ी सी बढ़िया है, तो ऊपर भी मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ। तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, बस यहाँ पर ना गाइस इस तरीके से मैं इसको पूरे को कवर कर लेता हूँ। और गाइस बस मैं स्पॉनर तक पहुंच जाऊंगा कुछ इस टाइप से। ये जो तरीका है ना गाइस, अभी तक मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट तरीका है इस स्पॉनर को तोड़ने का और वहां तक पहुंचने का। तो गाइस यार देखो, ये जो चीज है ना, इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, बट काम ये 100% करेगी। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से ना, ब्लॉक लगा के मैं इस स्पॉनर के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गया हूँ। और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तुम्हारी ऐसी की तैसी, लो मैंने यहाँ पर इनका स्पॉनर ही तोड़ दिया। अब बेटा तुम स्पॉन ही नहीं हो पाओगे, तो मेरे को मारोगे कहाँ से? मतलब ये जितने हैं ना अभी उतने रहेंगे, इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं जहां तक मुझे पता है। बाकी और किसी तरीके से यहाँ पर आ जाए तो फिर मैं उस चीज की गारंटी नहीं ले सकता। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, फिलहाल मैंने इधर तक का रास्ता बना लिया है और सामने की तरफ में ना एक चूरन हो रहा है। बेटा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे अभी मेरा, मैंने तुम्हारे साथ कर दिया बहुत तगड़े वाला स्कैम। और सारा का सारा ये जो गोल्ड है ना, अब मेरा होने वाला है। सबसे पहले ना गाइस यार यहाँ पर इनकी जो चेस्ट है ना, मेरे को ये खोल कर देखने की आखिरकार इसके अंदर क्या। ओ भाई साहब, यहाँ पर मेरे को 3-3 नेदरराइट इंगट मिल चुके हैं। तो सबसे पहले ले लेता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पर गोल्ड है, ये भी सारा का सारा ले लेता हूँ। और गाइस एक डायमंड का हेलमेट भी है भाई, क्या मस्त है, मजे आ गए। तो भी जल्दी से इसको भी ले लेता हूँ। बाकी यहाँ पर तुम्हारे भाई ने दिमाग बहुत तगड़े वाला लगाया भाई, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा भी, ओ नहीं नहीं नहीं, ये इसने मेरे ऊपर अटैक कैसे करा भाई? रुक जाओ रुक जाओ अभी। अच्छा मेरी गलती ये थी कि मैंने ऊपर नहीं लगाया यार, पूरे एकदम बराबर लगाते हुए जाना पड़ेगा तो ही कुछ कर पाऊंगा। बाकी तुम लोग निकलो अभी। सबसे पहले ना गाइस इनको मैं मारता हूँ, क्योंकि मेरे को ये जगह एकदम अच्छे से लूटनी है और यहाँ से वापस निकलना है। जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है तुम लोग को कूटने के लिए मेरे पास। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने 2-3 चूरनों को और मार दिया, बट अभी ना पीछे की तरफ में भी काफी सारे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब मैंने इनका स्पॉनर तोड़ दिया उसके बाद भी ये कहाँ से स्पॉन हो जा रहे हैं और आके भाई इतनी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। मतलब समझ लो यार, 2 बारी तो मैं लावा में गिरते हुए बचा हूँ, और अगर गिर जाता ना सारा काम खराब हो जाता, जितना भी गोल्ड मिला सारा का सारा धरा रह जाता। तो सबसे पहले ना गाइस मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को यहाँ से नीचे उतरना चाहिए। सबसे पहले तो गाइस ये जो लावा है ना, इसको मैं बंद करता हूँ ताकि मेरे को जितना भी गोल्ड मिला ना सारा लावा में ना गिर जाए। फिलहाल यहाँ पर पिगमेंट्स तो काफी सारे हैं, बट ये मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओ भाई अभी गोल्ड लावा में जाता, जल्दी से गाइस यहाँ पर सारा का सारा मैं कलेक्ट करके यहाँ से निकल लेता हूँ। भाई बहुत सारा गोल्ड है भाई, मजा आ गया यार आज तो। और इतनी बढ़िया चीज यार मेरे को आज तक कभी नहीं मिली। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ मिल चुका है, और इसके अंदर यार ये सब मैं ले लूँ कि नहीं लूँ? बाकी यार ये ले लेता हूँ, वैसे नॉर्मली मिल जाता है, मेरे को नहीं चाहिए, बट यार ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ फालतू की चीज फेंक देंगे, रोटन फ्लैश फेंक देता हूँ, किसी काम का नहीं है। बाकी वो मैंने उठा लिया है। तो गाइस अभी ना यहाँ पर एक गोल्ड ब्लॉक और रह गया था, जल्दी से लेता हूँ। और गाइस अभी ना फटाफट मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अब ये जो जगह मैं तोड़ देता हूँ ताकि मेरे अलावा कोई भी ऊपर ना आ पाए। भाई ये इतनी जल्दबाजी मैं क्यों कर रहा हूँ यार? अभी थोड़ा बहुत खाना मेरे पे पड़ा हुआ है और इतने खाने को खाकर मैं वापस पहुंच सकता हूँ, वैसे यार ज्यादा फूड नहीं है। चलो कोई नहीं, रोटन फ्लैश खा लेंगे। बाकी ना गाइस अभी सबसे पहले मेरे को जितना भी सामान है ना, मेरे को सारा का सारा, ओ भाई इतने, रुक जाओ यहाँ पर कोई आया यहाँ पर, रुक जाओ। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई आवाज तो किसी की आई है। मेरे को ना बस कुछ भी करके ना एक बारी जो मेरी एंट्री चेस्ट है ना वहां तक पहुंचना है, जो कि 3rd फ्लोर पे है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं भाग के 3rd फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ, और वो रही सामने की तरफ में चेस्ट, और आप देख पा रहे हो ना वहीं पर है मेरी एंट्री चेस्ट। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और लगाना है, और ये बन गया रास्ता। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं सारा का सारा सामान यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले ना गाइस यहाँ पर जितनी भी काम की चीजें इसके अंदर रख देता हूँ, जैसे कि काफी सारा गोल्ड हो गया, साथ में ये गोल्ड भी रख देता हूँ। बाकी नहीं, गोल्ड तो मेरे को भी चाहिए, मेरे को ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मेरे को चाहिए होगा। बाकी यार यहाँ पर थोड़े बहुत ये नेदर इंगट्स मैं रख देता हूँ। और यहाँ पर ये घास की आवाज कहाँ से आ रही है भैया? मारने मत लग जाइयो। सबसे पहले यार ये जगह बंद करो, अभी इन लोग पे मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है। और यहाँ पर क्या क्या काम का यार, क्या क्या मेरे को रखवाना चाहिए अंदर? तो ये रखवा देता हूँ, ये जो शवल है डायमंड की। तो गाइस अभी ना फिलहाल इधर छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम का सामान था वो मैं इधर ही छोड़े चले जा रहा था, इसको स्टोर करवा लेते हैं यार, कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगा। ब्लैक स्टोन फेंक दो यार, ये सब ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर इसको रख दो। ब्लैक स्टोन तो नॉर्मली मिल जाता है, बाकी और कुछ तो नहीं है ना भाई काम का? और भाई कैसा तेरी ऐसी की तैसी? अभी गाइस कोई भी टेंशन नहीं है, मैं सीधा जा रहा हूँ मरने के लिए, बाय बाय। चलो गाइस, तो चलो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कासल में वापस, और यहाँ पर हो चुका है एक सुहाना सा दिन, वैसे ये तो रात हो रही है। तो चलो गाइस ये रहा मेरा प्यारा सा बेड, और गाइस मेरे को रेस्ट भी नहीं करने दे रहे, मैं इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी बड़ी बेकार बेकार जगह से आया हूँ,
और यहाँ पर दिखा रहा है कि बाहर कोई मॉन्स्टर है यार, मेरे को नहीं पता अभी कहाँ पर मॉन्स्टर है। खैर छोड़ो, जो भी अभी मैं सो तो सकता नहीं हूँ, तो सबसे पहले ना गाइस एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरी एंट्री चेस्ट है ना इसके अंदर वो सारा का सारा सामान है। तो गाइस अभी ना सबसे पहले यहाँ से मैं एंशिएंट डायब्रिस ले लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं नेदरराइट इंगट ले लेता हूँ। बाकी यार अभी मेरे को यहाँ पर अपनी डायमंड पिकेक्स चाहिए है और अभी इन तीनों का मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यार मैं सो पा रहा हूँ या फिर नहीं सो पा रहा, क्योंकि यार पता रहा है कि बाहर कोई मॉन्स्टर है। यहाँ पर ना वैसे मेरे को स्केलेटन की आवाज तो आ रही है तो वो उस पार है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं यहाँ पर सो गया हूँ। भाई काफी ज्यादा मजा आ गया भाई आज तो यार, मतलब जो जो चीजें मिली है ना भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी जल्दी से मैं ऐसा सबसे पहले बाहर निकलता हूँ। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल सबसे पहले मेरे को जरूरत पड़ने वाली है फर्नेस की, क्योंकि जितना भी एंशिएंट डेब्रिस है ना इसको मैं इसके अंदर डालूंगा। इससे क्या होगा, मेरे को मिलेगा नेदरराइट स्क्रैप्स, उन नेदरराइट स्क्रैप्स को जोड़कर बनेगा एक नेदरराइट इंगट और उस नेदरराइट इंगट से मैं अपनी डायमंड स्वॉर्ड वगैरह जो भी टूल्स है उसको नेदरराइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर सबके अंदर मैं एक एक डाल देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी स्टार्ट हो। फिलहाल इसके अंदर भी कोल था तो सबसे पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा, मैंने बनने के लिए रखा था। तो यहाँ पर इसके अंदर भी काफी सारे हैं। तो चलो यार अभी फिलहाल यहाँ पर चारों फर्नेस काम पे लग चुके हैं। इसके अंदर भी यहाँ पर मेरे को देख लो, यहाँ पर मेरे को अभी दो स्क्रैप्स मिल चुके हैं। तो कुछ इसी टाइप से ना गाइस स्क्रैप्स मिलते जाएंगे और यहाँ पर तीन नेदरराइट इंगट मेरे पास ऑलरेडी है। बाकी यार आप में से ना बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रिपेयर करवाने से बढ़िया दोबारा बना लिया करो, लेकिन गाइस उसमें मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि अगर मान लो मैं ये एक सेकंड रुक जाओ मेरी कहां चली गई स्वॉर्ड, ओ भाई एक सेकंड अपनी स्वॉर्ड मैंने यहीं कहीं रखी थी। गाइस रुक जाओ, चोरी वोरी हुई है लग रहा है कासल में। तो गाइस यार मैं बिना खामोखाई परेशान हो रहा हूँ। अभी अभी मेरे को याद आया कि जो मेरी नेदरराइट स्वॉर्ड थी ना गाइस वो मैंने अंदर वाली चेस्ट में रखी थी और यहाँ पर अंदर क्रीपर कहाँ से आ गया भाई, मैं साइड से जा रहा हूँ यार। एक कासल ले रहा है, मजाक हो रहा है भाई, कोई भी आ जाता है मजाक बना रखा है। तो चलो यार अभी कोई नहीं, जल्दी से मैं यहाँ पर अंदर चलता हूँ और मेरी जो आर्मर वाली चेस्ट है वो ये वाली है, तो इसके अंदर गेरी मेरी नेदरराइट स्वॉर्ड। तो चलो यार अभी जल्दी से ये मेरे को मिल गया। क्रीपर यार तू फूट गया ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं 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 भाई यहाँ पे ना थ्रो ना, यहाँ मत फूटियो। तो चलो अभी फिलहाल मैं इससे बच गया हूँ। गाइस जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। यार कुछ ना जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये लोग स्पॉन ना हो। काफी सारी टॉर्च लगाने का मेरा मन नहीं है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ये लोग स्पॉन ना हो और मेरे को टॉर्च भी ना लगानी पड़े। तो आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट में बताना। फिलहाल यहाँ पर काफी सारे स्क्रैप्स अभी तक तो बन गए होंगे, यहाँ से एक एक दो दो स्क्रैप्स बन रहे भाई, क्या मजा आ गए। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर कितने स्क्रैप्स हो गए टोटल यहाँ पर ये। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल छह एंशिएंट डेब्रिस से छह नेदरराइट स्क्रैप मेरे को मिल चुके हैं। लेकिन गाइस अच्छी बात पता है क्या है, जैसे ही मैंने वाली चेस्ट खोली थी ना मेरे को उसके अंदर मेरे पुराने वाले तीन नेदरराइट स्क्रैप भी मिल गए, तो अभी ये टोटल नाइन स्क्रैप्स हो चुके हैं। और गाइस अभी ना जल्दी से मेरे को सबसे पहले रेसिपी पता करनी है कि आखिरकार होती क्या है। तो यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं हम लोग यहाँ पर नेदरराइट इंगट की रेसिपी। तो मैं तीन, अबे भाई ये तो बहुत सिंपल है, गोल्ड 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 यार सारा गोल्ड अंदर है। तो चलो अभी ना हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं और थोड़ा बहुत गोल्ड लेके सबसे पहले इंगट्स बनाते हैं और फिर मचा देंगे गाइस असली तबाही। यहाँ पर भी पता नहीं कितने इंगट बनने वाले हैं, वैसे तीन पता नहीं कितने थे। अभी दोबारा से अंदर रेसिपी देखेंगे फिर देखेंगे क्या सीन है। बाकी तो अभी जल्दी से मैं भाग के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मेरा सारा का सारा गोल्ड है। तो जल्दी से मैं इसे लेता हूँ और अभी फटाफट से इसके अंदर हम लोग यहाँ पर गोल्ड डालते हैं। सिंपल यहाँ पर लिखते हैं अब क्या रेसिपी है, तो देखते हैं कितने बन सकते हैं मैक्स। तो यहाँ पर एक बन गया, यहाँ पर जितने अबे भाई एक एक करके बनाने पड़ेंगे क्या। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही बन पाए हैं और बाकी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही स्क्रैप बचा हुआ है। तो चलो और बहुत सही। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी डायमंड पिकेक्स को रिपेयर करवाने के लिए तीन डायमंड्स भी ले लिए और आप में से ना बहुत सारे लोग मेरे को ये कह रहे थे कि अपनी पिकेक्स को रिपेयर मत करवाया करो, इससे बढ़िया दूसरी बना लिया करो। लेकिन यार मैं ये सोचता हूँ कि अगर मान लो हम लोग दूसरी बना लेंगे तो फिर ये जो एंचेंटमेंट इसके अंदर लगी हुई है फॉर्च्यून 3 एंड एफिशिएंसी 4, तो ये उसमें कैसे आएगी भाई, आप लोग ये कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो अभी ना मैं एक काम करता हूँ अपनी दूसरी बना लेता हूँ, जब आप लोग कमेंट्स करोगे ना वो पढ़ के मैं यहाँ पर इसे उस तरीके से करेंगे जैसे ऐसे होगा। अभी फिलहाल मैं एक नई डायमंड पिकेक्स बनाता हूँ और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे नेदरराइट में, ठीक है अभी के अभी। और बाकी स्वॉर्ड पहले रिपेयर कराऊंगा, स्वॉर्ड ज्यादा जरूरी है भाई रिपेयर करवाना। अभी फिलहाल एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए था, हाँ सबसे पहले मेरे को अपनी पिकेक्स बनानी है और यहाँ पर कोई आ तो रहा है सामने से, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पर कोई तो आ रहा है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मेरी पिकेक्स बन गई, कौन था भाई, एक सेकंड कोई भी नहीं था। तो चलो यार अभी फिलहाल यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अभी यहाँ पर एक सेकंड मेरे को ये तो रिपेयर तो एनविल से ही हो जाएगा ना शायद से, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। बाकी ये ओके, तो यहाँ पर एक दो दो भी नहीं तीन दूंगा तो ये पूरी पूरी रिपेयर होगी। नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, अभी अभी रिपेयर मत कराओ, अभी इतनी भी ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, मैं हो सकता है कि बाद में से यूज करूँ। सबसे पहले अपनी मेरी पिकेक्स है ना उसको भी मेरे को नेदरराइट का बनाना है, चाहे अपनी ये जो स्वॉर्ड है ये कम यूज हो, ठीक है। तो भी जल्दी से ना पहले इसको मैं बनवाता हूँ, उसको कन्वर्ट करवाने के लिए चाहिए हमें स्मिथिंग टेबल जो कि मैंने अपने विलेज में रख दिया था। तो हटो हटो भाई यहाँ पर तुम्हारा राजा आया है भाई, भीड़ लगा रखी है तुमने, इज्जत ही नहीं है भाई साहब यहाँ पर कोई। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं खड़े होता हूँ, तो यहाँ रखी मैंने अपनी पिकेक्स, कितने रखने पड़ते हैं, ओ भाई एक में ही काम हो गया। तो चलो भाई अभी
जितने भी टूल है मैं सबको कन्वर्ट करवा लेता हूँ गाइस नेदरराइट में, बढ़िया रहेगा भाई, एकदम पूरा फुल नेदरराइट वाला माल हो जाएगा। वैसे यार चेस्ट प्लेट को कन्वर्ट करवाने में कितने इंगट्स लगेंगे, शायद से एक एक सब में लगेगा। तो अभी फिलहाल स्वॉर्ड हो गई है, पिकेक्स हो गई है, अभी एक काम करता हूँ एक दो चीजें और हैं उनको भी करवाता हूँ। वैसे मेरे पास चार हैं तो मैं टोटल चार चीजें करवा सकता हूँ कन्वर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखता हूँ मेरे को क्या क्या कन्वर्ट करवा, भाई इसको रिपेयर भी कराना है ये याद में रख के चलना है। तो कन्वर्ट कराने के लिए मेरे को क्या क्या लेना चाहिए, सबसे ज्यादा मेन तो पिकेक्स एंड स्वॉर्ड ही होती है, तो ये दोनों मैंने करवा लिया है। बाकी एक जो मेरी चेस्ट प्लेट है ना इसको भी मैं करवा लेता हूँ बस, और बाकी से हम लोग अपना। अबे भाई ये क्या है, एक सेकंड ये कहाँ से आ गए, अबे यार तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से भाई, एक एक अटैक में खत्म हो जाते हैं भाई, इसका डैमेज इतना ज्यादा है। तो चलो यार अभी जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तो फटाफट इसे रिपेयर करवाते हैं। तो ये मैं आगे भागता भागता यहाँ पर जल्दी से इसको डालो इसके अंदर, और यहाँ पर ये मैं डालता हूँ एक दो बस, इसे और ज्यादा रिपेयर नहीं करवाऊंगा, बाकी बाद में भी काम आती रहेगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फटाफट से मैं चलता हूँ सीधा अपने यहाँ पर विलेज के अंदर। बाकी यार देखते हैं अभी ये लोग मेरे को इन सब चीजों के बदले क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहले सामान वामान में बाद में मिलूंगा, अपनी फटाफट से यहां पर जो ये है इसको मैं कन्वर्ट करा कर देखता हूं। तो ओके ये एक में ही हो जाएगी ना, तो चलो भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ एक में ही होगी, बाकी एक बार ना इसे पहन कर देखते हैं कि अब अपनी जो लुक है गाइस वो कैसी लगने वाला है। ये देखो भाई कितनी ज्यादा तगड़ी है, स्वॉर्ड भी इस वाले हाथ में रख दो और पिकैक्स इस वाले हाथ में निकाल लो, भाई साहब बिल्कुल क्या खतरनाक लुक आ रही है भाई। ये देखो अब लग रहा है ना भाई कोई तगड़ा बंदा आ गया हो, जैसे पूरा का पूरा नेदरराइट वाला माल हो चुका है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से यार लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और हाँ यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। We'll be right back.